वेलकम टू जी केमिस्ट्री। सो 5.3 में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, मैंने आपको सिखाया था एक्सप्रेशन और कॉम्बिनेशन किस तरह से निकालते हैं। तो दो क्वेश्चन थे जिसमें आपको प्रॉब्लम थी, तो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए। अब डिटेल तो नहीं बताऊंगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ पहले, एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी। बस आपसे ये सेकंड क्वेश्चन और जो फिफ्थ क्वेश्चन इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट में इशू थे आपके कमेंट्स देख रही थी मैं, तो ये वाले मैंने यहाँ पर सोल्व कर दिए। यहाँ से आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं रख कर रही हूँ फिर। तो अभी आज वाले वीडियो में ये वाला तो हमने सिंपल डिफरेंशिएशन से किया था, एक्सप्रेशन और जो कॉम्बिनेशन था। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं जैम की बात हो जाए, अभी तक मैंने जितनी वीडियोस अपलोड करी है वो गेट नेट और जैम तीनों के लिए क्या है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, सबको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, जब आएगा ऐसा कुछ टॉपिक जिसे मुझे ऐसा लगेगा कि जैम के लिए नहीं है, मैं आपको बता दूंगी स्पेसिफिकली उस टॉपिक के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए जितनी अपलोड करी है वो जैम नेट और गेट तीनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आज हम सीखने वाले हैं कॉम्यूटेटर, अभी ये कॉम्यूटेशन पे ही बात करेंगे, ऑपरेटर्स की पढ़ेंगे। तो आज हमें स्पेसिफिकली आप देख सकते हो जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये सारे हमें करने हैं सॉल्व इस वीडियो में। कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगी, उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना, जो ना हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो आज हमें बात करनी है इन स्पेसिफिक पोजिशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर की। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पोजिशन और मोमेंटम ऑपरेटर बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारे क्वांटम में, बार बार इन्हीं का रिपीटेशन होता है। तो जितने ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए हैं, ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, तो आप भी कर लेना और साथ में करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिर्फ कि अगर आपको निकालना हो कॉम्यूटेशन इस सिंपल से ऑपरेटर का, मतलब आपको ये दिया हुआ है इसका आपको निकालना है कॉम्यूटेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन तो मैंने ये नहीं लिखा है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक बताती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो अगर हमें इसका कॉम्यूटेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहले तो शायद क्या छोड़ो उसको, पहले इक्वल टू क्या होता है आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर ये ए और बी है तो क्या होगा, ए बी माइनस बी ए, वही करते हैं। तो ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए, यही करते हैं। फिर क्या करेंगे लास्ट में, दोनों तरफ क्या लगा देंगे, एक ऑपरेट जिसके ऊपर हमें इसको ऑपरेट करना है। चाहो तो यहाँ पे एफ एक्स लिख लो, चाहो तो यहाँ पे शायद लिख लो, दोनों से क्या होगा, आंसर सेम ही आने। तो अभी सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स पी एक्स शायद माइनस px डॉट x डॉट शायद। आप ना ऐसे मत कर रहे, इसको कैंसिल मत कर देना, तीनों में तो सेम ही टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपको पता है जो px है उसमें क्या है, d by dx होता है, तो मतलब वहां पर डिफ्रेंसिएशन करना है। यहाँ पर देखो वो इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन करेगा, यहाँ पे सिर्फ एक का करेगा, तो उसको बस कैंसिल मत करना, आगे नेक्स्ट स्टेप एक बार लिख के देख लेना। तो नेक्स्ट में क्या होगा, x तो एज इट इज है, px क्या होता है, माइनस आयोटा h क्रॉस d by dx है ना, ये होगी हमारी px की वैल्यू। और यहाँ पे आ गया शायद माइनस px की वैल्यू लिखते हैं माइनस आयोटा h क्रॉस d by dx, ये हो गया। साथ में क्या है, x और ये अभी दिख रहा थोड़ा सा अलग अलग हो गया है, तो उसको नेक्स्ट टाइम में क्या लिख सकते हैं, माइनस को आगे जाते हैं, माइनस आयोटा h क्रॉस x d psi by dx। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आयोटा h क्रॉस d by dx ऑफ x और ये। ठीक है, अभी दिख रहा है डिफरेंस, यहाँ पे क्या है, डिफरेंसिएशन सिर्फ इस फंक्शन का हो रहा है और यहाँ पे डिफरेंसिएशन हो रहा है x इंटू शाय का, है ना। तो ये आपका हो गया u, ये हो गया v। जिस तरह से मैंने पहले भी लिखा था फिफ्थ क्वेश्चन जो भी था उसमें भी क्या था, एक्स स्क्वायर करके ऐसा कुछ था शायद, इस तरह से था। आपको ध्यान रखना है आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया या सेकंड फंक्शन हो गया, अगर वो इस तरह से भी लिखा होता है, जैसे मान लो इस तरह से कुछ लिखा होगा ये, और इसके आगे लगाया हुआ है d by dx, तो इसका मतलब आपको पता है क्या है, इसका ये मतलब है कि इसको आप यू कंसिडर करोगे और इसको कंसिडर करोगे वी, और करोगे उसके बाद डिफ्रेंसिएशन, जैसे प्रोडक्ट रूल होता है, यू एज इट इज लिखोगे वी का डिफरेंसिएशन करोगे, उस तरह से आपको सोल्व करना होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले भी किया था, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका फर्स्ट फंक्शन ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। ठीक है, इस तरह से हमें करना होता है, और इसका डिफरेंसिएशन कर लेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, आयोटा एच क्लोज तो ऐसे रखो, इसका हमें सोल्व करना है। तो क्या होगा, ये यू मान लेते हैं, इसको u को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब u को हमें बाहर रखेंगे, v का करेंगे डिफरेंसिएशन, प्लस v को ऐसे कैसे रखेंगे, x का करेंगे, मतलब u का करेंगे डिफरेंसिएशन d by dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको सॉल्व कर लो, पूरा ओपन करके लिख लो, प्लस आयोटा h क्रॉस x d psi by dx, प्लस मैं अंदर लेके जा रही हूँ आयोटा h क्रॉस
अच्छा है और dx by dx क्या होता है 1, तो ये कट गया। अभी हमारे पास क्या बचा, देखो ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है, कैंसिल है ना, क्या बचेगा आयोटा एच क्रॉस शाय, अब इधर भी शाय है इधर भी है, दोनों को कैंसिल कर दो। तो यहां से हमारे पास क्या आया कि अगर हम सब कॉम्बिनेशन निकालना है एक्स पी एक्स का, तो वो किसके इक्वल होता है आयोटा एच क्रॉस के। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको याद कर लो, क्योंकि क्या होता है देखो ये आपसे ना बहुत रेयर चांसेस जैम में पूछ सकते हैं, लेकिन नेट गेट में हो सकता है कि आपको डायरेक्टली ये ना पूछे आपसे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन डालेंगे। जैसे सपोज करो एक्स पी एक्स का कॉम्बिनेशन होता है आयोटा एच, ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है एक्स पी एक्स के साथ में, उसके बाद कोमा लगा के एक और कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक और बाहर है ना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इसको याद करो ताकि आपको पूरा पूरा क्वेश्चन बाद में सॉल्व ना करना पड़े, क्योंकि नेट गेट के लिए स्पेसिफिकली ऐसा इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा है ना। तो इसको याद कर लो एक्स पी एक्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है आयोटा एच क्रॉस, ठीक है भूलना मत, अच्छे से याद कर लो। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ पी एक्स और एक्स का क्या होता है, तो क्या होगा यस माइनस आयोटा एच क्रॉस, क्यों, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो ए बी का जो भी कॉम्यूटेटर होगा वो इक्वल किसके होता है माइनस ऑफ बी, ठीक है। तो अगर एक्स और पी एक्स मतलब ए और बी का अगर आयोटा एच क्रॉस है, तो बी और ए कर देंगे मतलब इसको आगे ले आएंगे, इसको बीच ले जाएंगे पी एक्स एक्स, तो क्या हो जाएगा इसके आगे सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस। तो इतना समझ में आ गया, आपको इसको याद करना है, बहुत बार यूज होता है क्वेश्चन में, वरना तो बहुत टाइम लगा दोगे, जैसे ये वाले क्वेश्चन है ऐसे वाले क्वेश्चन है इसमें वरना बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ उसको याद करके रखो। एक्स पी एक्स होता है आयोटा एच क्रॉस, ठीक है। और आयोटा की वैल्यू भूलनी नहीं है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। चलो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, अभी आते हैं अपने मेन वाले क्वेश्चन को जो हमें करने हैं आज। तो सबसे पहले काम करते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि इतना हमने सॉल्व कर लिया है, बाकी का सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। अगर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, तो इसमें दो तीन चीजें समझने के लिए, पहले वो समझो क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, इसको हमें सॉल्व करना है ना। आपको पता है जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है और बीच में अगर ऐसे कोमा लगा के लिखा हो तो मतलब कॉम्बिनेशन निकालना है, कॉम्बिनेटर निकालना है ना। इसके लिए क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इसको ना ऐसे समझो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये और ये, मतलब ये कि पहले आप इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर सपोज करो सॉल्व करने के बाद आ गया डी, सपोज करो डी आ गया, तो अगर सॉल्व करने के बाद डी आया है तो फिर ए और डी का होगा, समझ गए, मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर जो भी आएगा इसका आंसर, और इसका हमें क्या करना है वापस से कॉम्बिनेटर निकालना है। तो ऐसा ही हमें करना है, इतना समझ में आ गया ऐसे ही। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी हमने सॉल्व किया कि एक्स पी एक्स क्या होता है आयोटा एच क्रॉस, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे इसको सॉल्व करने में, डायरेक्टली यहां पर लिखोगे क्या इसका हमें पता क्या आता है आयोटा एच क्रॉस। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इतना सिंप्लीफाई हो गया है ना। अभी एक बात याद मतलब ना एक बात नोट करो अच्छे से, एवरी ऑपरेटर स्टार मार्क करके लिखना इंपॉर्टेंट है, एवरी ऑपरेटर कम्यूट्स विद अ कॉन्स्टेंट, विद एवरी कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये है, इसमें आपको बताया था कम्यूट करने का मतलब क्या होता है, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा जीरो। अगर आपको ए और बी दिया हुआ है, आपको कॉम्बिनेशन सॉल्व करनी है उसकी, तो अगर उसका आंसर जीरो आ जाता है मतलब क्या होगा, जो ए और बी आपको गिवन है वो दोनों ऑपरेटर क्या करें आपस में कम्यूट करते हैं ना। तो अगर यहाँ पे मैंने लिखा है एवरी ऑपरेटर कम्यूट्स विद एवरी कॉन्स्टेंट, मतलब देखो ये आपको पता है ये ऑपरेटर है लेकिन ये क्या है कॉन्स्टेंट है, तो हर कोई ऑपरेटर जो है हर कॉन्स्टेंट के साथ कम्यूट करेगा, मतलब आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली उसको जीरो लिखो। और क्या हो सकता है यहाँ पर, अभी कॉन्स्टेंट कैसे है, कॉन्स्टेंट में आपको डाउट है, जैसे देखो आयोटा की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, फिक्स है चेंज नहीं होने वाली, कुछ भी कर लो आयोटा माइनस वन का स्क्वायर रूट ही रहेगा। और जो एच क्रॉस है वो क्या है एच बाय टू पाई, एच क्या है फ्रेंड्स कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स है पाई की वैल्यू 3.14 फिक्स है, तो ये क्या है कॉन्स्टेंट। तो यहां पर चाहे जो मर्जी हो, कोई मर्जी ऑपरेटर हो, ऑपरेटर एवरी ऑपरेटर मतलब कैसा भी ऑपरेटर हो, पोजिशन मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो, वो क्या करेगा जो कॉन्स्टेंट होगा उसका क्या करेगा हमेशा ही कम्यूट करेगा। तो अगर आपको एक ऑपरेटर के साथ कोई कांस्टेंट दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे आयोटा होता या फिर सिर्फ एच क्रॉस होता, कोई भी कांस्टेंट आपको अगर दिख रहा है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे उसको जीरो करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया जीरो, समझते कैसे होगा,
इसको सॉल्व करके आई अटैच क्रॉस, आई अटैच क्रॉस कॉन्स्टेंट, तो ये हो गया जीरो। ठीक है, इस तरह से करते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। और यहां से हमने एक नई बात भी सीख ली कि जब भी कॉन्स्टेंट आएगा किसी ऑपरेटर के साथ तो कॉमेंटेटर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखेंगे जीरो। ठीक है, अभी आते हैं इस क्वेश्चन पे। इससे आप क्या करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने आप में सॉल्व कर लोगे, मैं फर्स्ट करवा देती हूँ। ठीक है, अभी देखो इसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है। हमारे पास है एक्स क्यू और पी एक्स। मैं इसमें एक काम करूंगी, आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी, उसके बाद बताऊंगी इसकी ट्रिक, जिसको आप देखते ही एक ही लाइन में सॉल्व कर दोगे, क्योंकि पेपर में हो सकता है इतना टाइम हमारे पास ना मिले कि हम उसको सॉल्व करके देखें। तो सॉल्व करते पहले पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। क्या होगा, ये ए है, ये बी है, ए बी माइनस बी है, ए बी माइनस बी यही है। साथ में क्या करेंगे, साथ में लगाएंगे ऑपरेंड, इसके ऊपर उसको ऑपरेट करवाना है। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा एक्स क्रॉस डी बाई डी एक्स माइनस पी एक्स की वैल्यू माइनस आयोटा एच क्रोस डी बाई डी एक्स इंटू में एक्स क्यूब, और साथ में क्या है, साथ में हमारा ये इतना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको अंदर लेके आते हैं ब्रैकेट्स के, तो ये माइनस को बाहर ले आओ, एक्स क्यूब आयोटा एच क्रोस, इसके अंदर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, डी शाइन अपॉन डी एक्स। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आयोटा एच क्रोस डी बाई डी एक्स, ये अंदर आएगा तो क्या बनेगा, यहां पर आएगा, है ना। तो उसे आप इसको ऐसे लिखो, एक्स क्यूब शायद। ठीक है, इतना ठीक है। अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, इसको तो कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, हमें पूरा वैल्यू नहीं पता है तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऐसे ही लिखेंगे, माइनस एक्स क्यूब आयोटा एच क्रोस डी शाई बाय डी एक्स। ये तो हो गया सॉल्व। अब बात आती है इसकी, तो ये फिर से क्या हो गया, यू बी, मतलब ये हमारा यू और ये बी, यू एल सी इज बी का डिफ्रेंसिएशन प्लस बी एल सी इज बी का डिफ्रेंसिएशन। ऐसे ही करते हैं, प्लस लगाओ आयोटा एच तो कॉन्स्टेंट है, बाहर रखते हैं इसको, ब्रैकेट लगाते हैं यहां पर। फर्स्ट को मैंने एज इट इज रखा, सेकेंड का कर दिया डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन कैसे शुरू करेंगे, ऐसे प्लस सेकेंड को मैंने ऐसे कैसे रखा, फर्स्ट का कर दिया डिफ्रेंसिएशन डी एक्स। ठीक है, बस सोल्व कर लो, माइनस एक्स क्यूब अल्टा एच क्रोस डी बाय डी शाई बाय डी एक्स प्लस अंदर लेके चले जाओ आयोटा एच क्रोस एक्स क्यूब डी शाई बाय डी एक्स, ये सोल्व हो गया। अब इसको अंदर ले जाओ इधर, प्लस आयोटा एच क्रोस शाई, इसका क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, एक्स एक्स क्यूब का क्या होता है थ्री एक्स स्क्वायर, है ना, इसका आपने सीख लिया है थ्री एक्स स्क्वायर। अच्छा अभी देखते हैं, ये वाली टर्म एक्स क्यूब ये वाली बिल्कुल सेम है, कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा सिर्फ ये आयोटा एच क्रोस थ्री एक्स स्क्वायर, और शाई को यहां पे लिख देते हैं, और फिर यहां से ये वाला शाई यहां से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा आयोटा एच क्रोस थ्री एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को मैंने इतना डिटेल में सोल्व किया है, मुझे एक दो मिनट तो लग गए होंगे, है ना, हो सकता है आप इसको एक मिनट में या डेढ़ मिनट में सोल्व कर लो, ऐसे ज्यादा टाइम लग जाए, तो इसलिए क्या होता है पूरा करने के लिए नहीं है। अभी ट्रिक सुनो, ये आंसर तो समझ में आ गया ना, आयोटा एच क्रॉस थ्री एक्स स्क्वायर, भाई मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, तो ये तो अभी सोल्व हो गया, लेकिन लेकिन इसकी ट्रिक सुनो ध्यान से, इसको कैसे सोल्व करेंगे, और ये ट्रिक जो है ब्रैकेट में लिख लेना, ओनली फोर पोजिशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर तभी लगेगी जब दोनों जो ये ऑपरेटर है ये पोजिशन और मोमेंटम वाले हों, अदरवाइज नहीं लगेगी, ध्यान रखना इस बात को, हर जगह लगाओगे क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर। ये वाली ट्रिक जो आपको बताऊंगी वो सिर्फ तभी लगेगी जब दोनों ऑपरेटर आपके पास एक पोजिशन वाला हो और एक मोमेंटम वाला हो, किसी और केस में नहीं लगेगी। जैसे हमने पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन देखे थे उसमें सारे क्या थे, हम एक्स के टर्म में बात कर रहे थे और पोजिशन की बात हो रही थी, है ना, उस वाले केस में ये ट्रिक नहीं लगेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अभी ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। देखो मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट कर लिया और इसको कर दिया बी से, मतलब जो पोजिशन है उसको अगर मैं मान लू कि वो ए है और जो मेरा मोमेंटम है उसको मैंने मान लिया कि वो बी है, तो ऐसे देखो अगर ए की पावर एन और बी का आपसे कॉमेंटेटर पूछा हुआ है, ए क्या है यहां पर पोजिशन या फिर मतलब एक्स या फिर पी एक्स,
मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो ए और बी है उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ए आपका पोजीशन भी हो सकता है, आपका मोमेंटम भी हो सकता है, ऐसे ही बी आपका पोजीशन भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है। तो अगर इस तरह का आपको सॉल्व करना है ना, तो आपको ये पूरे ए वाले स्टेप करने की नीड नहीं है। एम क्या है? पावर। जैसे यहाँ पे इसकी क्यूब है ना, तो आपको पूरा सोल्व करने की नीड नहीं है। आप क्या करेंगे, जो जिसकी भी पावर दी हुई है उसका कर देंगे डिफ्रेंसिएशन। तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, है ना। तो जिसके भी पावर गिवन है उसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे और उसके बाद ए बी को वैसे का वैसे लिख देंगे ए बी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ रहे हो क्या क्या मैंने, जिसकी भी पावर गिवन है उसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे कर दिया, उसके बाद कॉम्यूटेटर साइन अभी हटा नहीं है, ए और बी अभी भी कॉम्यूटेशन में है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो इसको अगर मैं अप्लाई करूं इस वाले क्वेश्चन पे, तो ये कैसे है, एक्स क्यूब और यहां पर है पी एक्स, ये है ना। तो क्या करेंगे, जिसकी भी पावर गिवन है उसका कर दिया डिफ्रेंसिएशन। एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, थ्री एक्स स्क्वायर, है ना, और क्या बचेगा, एक्स पी एक्स। ये आपको पता है अभी भी कॉम्बिनेशन में है, मतलब इसको सॉल्व करना है। और एक्स पीएक्स हमने अभी याद किया, क्या होता है, आयोटा एच क्रॉस, तो ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर आयोटा एच क्रॉस, और यही है आपका आंसर। देखा, इतना बड़ा सॉल्व करने की नीड नहीं है, यहाँ पे भी वही आंसर आया है, यहाँ पर भी वही आंसर आया है। समझ गए, इसको अच्छे से नोट कर लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देख लेना। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कैसे अप्लाई करेंगे। ट्रिक यही रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज हो सकता है कहीं ना कहीं पे। आए थे मैंने क्वेश्चन जितने थे सारे लिखे हैं यहाँ पर, ताकि ट्रिक में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन आप ट्रिक से ही सोल्व करोगे, आई नो। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है, देखो जैसे एक्स क्यूब है यहाँ पर, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब हमेशा ही, जैसे मैंने पहले लिखा था ए की पावर एन और बी ऐसे था, तो ये ऐसे भी हो सकता है, ए एज इट इज और बी की पावर एन हो जाए। तो अगर ये ऐसे वाला केस भी है, जैसे मैंने पहले ए एन के लिए बताया था ना, अगर ये ऐसा भी गिवन है तो फिर हम वही करेंगे, सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। जिसकी भी पावर एन है उसका कर देंगे डिफ्रेंसिएशन, बी की पावर एन माइनस वन, और जैसे लिखा है उसको वैसे का वैसे लिख दो, ठीक है, यहां पर ऐसे होगा। समझ गए, जो भी गिवन है, जो भी आपके पास जिसकी भी पावर गिवन है उसका कर दो डिफ्रेंसिएशन, और जिस फॉर्म में लिखे मैं ए भी लिखा हुआ उसको वैसे क्या वैसे ए भी लिख दो, ठीक है। इसको सोल्व करते कैसे करोगे, जिसकी भी पावर है उसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन, इसकी पावर क्यूब में क्या आ जाएगा, थ्री पी एक्स स्क्वायर, हो गया सोल्व, है ना। सिर्फ डिफ्रेंसिएशन करना था हमें, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ डिफ्रेंसिएशन करना है हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करेंगे, पहले एक्स लिखा हुआ पहले एक्स लिख देंगे और फिर लिख देंगे पी एक्स। ध्यान रखना वापस से पावर मत लिख देना, क्योंकि पावर को हम ऑलरेडी डिफ्रेंसिएशन करके सोल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा थ्री पी एक्स का स्क्वायर, और एक्स पी एक्स क्या होता है आयोटा एच क्रॉस। तो ये है आपका आंसर, इसलिए आपको पूरा सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। तो ये आगे आपका आंसर था, ठीक है, समझ गए। अच्छा ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क में, थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कराऊंगी, क्योंकि जो ये ट्रिक मैंने यहाँ पे बताई है उसको ही यूज करके आपको सारे ऑप्शंस करके देखने हैं। आपको बताना है जो ये वाला कॉम्बिनेटर मैंने यहाँ पे लिखा है वो किसके इक्वल है, इन सबको सॉल्व करके देखना, जो इसका आंसर आएगा वही इनमें से किसी का आना चाहिए। इसका आंसर है ये वाला, जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका भी आएगा, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। खुद से सॉल्व करके देखिए, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ ताकि सॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो, मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, ऑप्शन को आप खुद से सॉल्व करेंगे तो भी प्रैक्टिस होगी। मैं सिर्फ जो ये क्वेश्चन गिवन है इसको सॉल्व कर देती हूँ, यहाँ पर ये है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो अंदर हमारे पास क्या है, पहले अंदर वाले को अलग से लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको सॉल्व करना है ना। हमारी ट्रिक में आ रहा है ये, जिसके भी पावर सॉल्व करेंगे डिफ्रेंसिएशन, ये हो गया टू पी एक्स, अंदर क्या बचेगा एक्स पी एक्स, है ना। टू पी एक्स तो वैसे का वैसे रहेगा, एक्स पी एक्स हमें पता क्या होता है आयोटा एच क्रॉस। तो जो ये वाला पोर्शन है इसको हमने सॉल्व करके निकाल लिया, टू पी एक्स आयोटा एच क्रॉस, तो उसको लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ये टू पी एक्स आयोटा एच क्रॉस। मैंने आपको अभी एक लिख के दिया था एक लाइन, एवरी ऑपरेटर कम्यूट्स विद एवरी कॉन्स्टेंट, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे टू कॉन्स्टेंट है, आयोटा कॉन्स्टेंट है और एच क्रॉस कॉन्स्टेंट है, लेकिन जो पी एक्स है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा, चेंज करेगा। उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स, ये होती है ना वैल्यू। तो ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा, तो जैसे ही फंक्शन चेंज इसकी वैल्यू चेंज, है ना। तो ये कॉन्स्टेंट नहीं है, इसलिए सिर्फ क्या पहुंचना है यहाँ पे, टू आयोटा एच क्रॉस,
इसलिए इसको डायरेक्ट जीरो मत लिखना, यहाँ पर ये एक वेरिएबल है जो कि हमारे फंक्शन के हिसाब से चेंज करेगा, तो ये जीरो नहीं होगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक और बात सुनो, एक और अच्छी बात आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि जो भी कॉन्स्टेंट होता है, चाहे वो इस साइड पे कोई कॉन्स्टेंट हो चाहे इस साइड पे कॉन्स्टेंट, उसको आप ना कॉमन ले सकते हो। अगर कॉमन नहीं भी लोगे तो भी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पूरा सॉल्व करके देखोगे तो भी सेम आंसर आएगा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हो आप, जो भी कॉन्स्टेंट गिवन है, चाहे ए वाले पोर्शन में हो चाहे बी वाले ऑप्शन में, मतलब पोर्शन में हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसको मतलब उसको बाहर ले सकते हो, कॉम्बिनेशन से बाहर निकाल सकते हो उसको। और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ पोजिशन मोमेंटम की बात नहीं हो रही। जैसे जो भी आप ऑपरेटर सॉल्व कर रहे हो, तो अगर ए और बी आपको गिवन है, कॉम्बिनेशन आपको निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें से जो कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है उसको कॉमन ले सकते हो, है ना। कॉमन लेने का मतलब ये है, टू आयोटा एच क्रॉस कॉन्स्टेंट है ना, उसको बाहर निकाल दो, टू आयोटा एच क्रॉस को बाहर निकाल दे, अंदर क्या बचेगा, एक्स और पी एक्स। अब कई बार यहाँ पे ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है कि कॉमन तो हम तब निकालते हैं जब दोनों वाले पोर्शन में वो हो, है ना, लेकिन ये हमारा नॉर्मल वाला मैथमेटिक्स नहीं है, हम ऑपरेटर सॉल्व कर रहे हैं क्वांटम में, तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे। अगर आप सिंपल वैसे सॉल्व करोगे इसको ए और बी मान के, ए बी माइनस बी ए करके, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, इसको ऐसे निकाल के करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, बस यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट हमने बाहर निकाल दिया, टू आयोटा एच क्रॉस, अब ये क्या है, तुम्हें पता है इसके इक्वल होता है आयोटा एच क्रॉस के इक्वल, है ना। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास क्या हो गया, टू आयोटा स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, पहले भी बताया था, आयोटा क्या होता है, माइनस वन का स्क्वायर रूट, दोनों साइड करना है हमें स्क्वायर ऐसे, तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस वन, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के इक्वल, तो ये हो गया माइनस टू एच क्रॉस स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये वाला, इसका आएगा आपका सोल्व करके माइनस टू एच क्रॉस स्क्वायर, ये मैंने सोल्व कर दिया है, चारों ऑप्शन आप खुद से सोल्व करेंगे। ठीक है, कर लेंगे, बस देख लेना इसको आराम से, अगर नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करा दूंगी। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ हमने पहले कर लिया था, अभी बचे हमारे पास फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ क्वेश्चन। इसके लिए भी एक ट्रिक होती है, बहुत ही सिंपल ट्रिक होती है, एक बार ही कर लोगे, इसमें आप प्रैक्टिस करोगे ना कुछ क्वेश्चन, तो आपको एकदम से अच्छे से याद हो जाएगी। क्वेश्चंस पे जाने से पहले, फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ क्वेश्चन को टच करने से पहले समझ लेते हैं वो क्या चीज है, ट्रिक क्या है। देखो, ये वाली ट्रिक भी एप्लीकेबल है सिर्फ पोजिशन और मोमेंटम ऑपरेटर के लिए, जो मैं वीडियो में से स्किप मत करा करूं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड छोड़ देती हूँ तुम लोग, उसके बाद पूछते हुए हम ये कैसे हो गया, तो मैं फिर से बता दूं, जो ये वाली ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ एप्लीकेबल फॉर पोजिशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स ओनली। ओके, अभी देखो ट्रिक ये है कि ऐसे मान लो, फंक्शन है px का, अगर इस तरह से आपके पास कोई क्वेश्चन आया है जिसमें क्या है, x तो ऐसे का ऐसे है और पोजिशन जो है उसका किसी फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, या f का मतलब क्या होता है, यहाँ पे साइन हो सकता है, cos हो सकता है, e की पावर कुछ हो सकती है, तो ऐसे कुछ फॉर्म में आपको दिया हुआ है। तो अगर ऐसा कोई इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आता है, इस तरह कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ये वाला पैटर्न जो आपका फॉलो हो रहा है, जिसमें क्या है एक्स तो ठीक है लेकिन जो पोजीशन वाला पोर्शन है वो क्या है, पोजीशन वाले पोर्शन में क्या क्या हुआ है, कोई ना कोई फंक्शन लगा हुआ आगे, जिसमें साइन हो सकता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कोई भी एक ही वाली एक्सपोनेंशियल कुछ हो सकता है, उस तक हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो वो देखो, अगर ये इस तरह से गिवन है तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है, जो भी ये फंक्शन है इसका कर दो डिफरेंसिएशन। एफ डैश किसको शो करता है, अगर मैंने एफ के ऊपर डैश लगा दिया है तो किसको शो कर रहा है, उसके डिफरेंसिएशन को, मुझे मतलब मुझे क्या करना है, इस वाले फंक्शन का कर देना है डिफरेंसिएशन, और लास्ट में फिर वही एक्स और पी एक्स। समझे क्या क्या मैंने, जो भी ये फंक्शन गिवन था उसको मैंने कर दिया फर्स्ट डिफरेंशिएट, मतलब उसको फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, उस बाद एक्स और ये पीएक्स को ऐसे का ऐसे लिख दिया, कॉम्बिनेशन अभी भी है, सॉल्व करेंगे आयोटा एच क्रॉस आएगा। अब भी आपको समझ कुछ आया नहीं रहा होगा तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, बता दूं कैसे अप्लाई होगा, अगर ये ऐसे है साइन ऑफ पीएक्स, ये आपको सॉल्व करना है, तो ये हमारा किस वाली कैटेगरी में आ रहा है, मैंने आपको जो पहले वाली बताई थी, जो पहले वाली ट्रिक बताई थी पोजिशन मोमेंटम के लिए, उसमें क्या था पावर दी हुई थी कुछ, है ना, तो जब पावर देते हैं तो उस तरह से करते हैं, अभी क्या है पावर नहीं गिवन है, ये फंक्शन कोई गिवन है, इसको कैसे करेंगे, इसका कर देंगे हम डिफरेंशिएशन, साइन एक्स जैसे आपको पता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
डिवाइड एक्स, साइन से क्या होता है कॉस एक्स, है ना। तो ऐसे ही साइन पी एक्स का क्या हो जाएगा कॉस पी एक्स, और साथ में क्या बचेगा एक्स, और ये पी एक्स यहां पर इस तरह से, मतलब जो भी फंक्शन दिया वैसे कर दिया हमने डिफ्रेंसिएशन, और उसके बाद एक्स और पी एक्स को यहां पर लिख दिया, तो क्या हो जाएगा कॉस पी एक्स, ये क्या होता है आउटराइट क्लोज। तो यही आपका आंसर, इसको आपको पूरा सॉल्व करने की ए बी माइनस बी कभी करोगे आंसर फिर भी सेम आएगा, लेकिन ये वाला आपका इजी पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर आ गया ये वाला अटैच क्लोज कोस पी एक्स, ठीक है। तो ये कब है जब मैंने एक्स को यहां पर लिखा है और एफ एक्स को यहां पर लिखा है, अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह से आए कि एफ को हम लिख देंगे, ये ध्यान रखना है फंक्शन हमेशा पी एक्स का ही गिवन होगा, एक्स का गिवन नहीं होगा, ठीक है। अगर ये इस तरह से आ जाए, मतलब जब आपका बी है तो आपका ए बन जाए और आपका बन जाए बी, है ना। इस वाले केस में क्या करेंगे, सब कुछ सेम ही रहेगा, एफ का हमें लेना है डिफ्रेंसिएशन और साथ में क्या करेंगे एक्स पी एक्स, डिफरेंस कहां पर आएगा सिर्फ माइनस के साइड में, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है ए बी इज इक्वल टू माइनस बी होता है, तो दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्स्ट को सेकंड कर दिया, सेकंड को फर्स्ट कर दिया है, तो आंसर बिल्कुल ये वाला सेम ही रहेगा, डिफरेंस कहां पर आएगा प्लस और माइनस के साइन में, ठीक है। तो इसलिए बोल रही हूं इसको साथ में याद मत करना, सिर्फ इसको याद करना इस वाली ट्रिक को, अगर इसको याद कर दिया कंफ्यूजन में रह जाओगे, उस साथ इसको पीएक्स और एक्स लिख दो, अगर इसको आपने पीएक्स और एक्स लिख दिया तो पीएक्स एक्स को सोल्व करके आएगा आयोटा एच क्रोस प्लस का, है ना, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। क्या करोगे इसको याद करो, एक्स और फंक्शन ऑफ पीएक्स आपको गिवन है, इसका आपको करना है फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके बाद एक्स और पीएक्स लिख देना है, इसमें क्या चेंज है सिर्फ ए को बी बनाया हुआ बी को ए, है ना। तो क्या होगा आपको पता है ये वाला आंसर सेम रहता है, साइन में सिर्फ डिफरेंस आता है, साइन अगर प्लस है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का तो प्लस का हो जाता है ना, इसको ध्यान रखना है, बस आगे माइनस लगा देना होता है, ध्यान रखना ए बी इज इक्वल टू माइनस बी होता है हर जगह पर लगेगा, ठीक है। ये सोल्व हो गया फिफ्थ क्वेश्चन, अब ये आता है सिक्स क्वेश्चन पे, लेकिन सिक्स अच्छा ठीक है सिक्स में करवा देती हूँ, सेवंथ अपने आप ही हो जाएगा, सिक्स करते हैं एक्स ई की पावर एल्फा पी एक्स, इसको हमें करना है सोल्व। आपको दिख रहा है ये पोजिशन और ये है मोमेंटम, है ना। पोजिशन और मोमेंटम के लिए हमें दो ट्रिक्स पता है, एक तो वो वाली ट्रिक जिसमें एक्स की पावर दे रखी होती है, पी एक्स का क्यूब पी एक्स की पावर फोर इस तरह से कुछ दे रखा होता है, एक्स की पावर फोर, है ना, उसके लिए हमें करनी होती है अलग से ट्रिक। अब जब ये वाला होता है तो इसमें एक्स एज इट इज होता है, सेकंड वाले में हमेशा पी एक्स अवेलेबल होता है, किसी ने किसी चीज का फंक्शन दे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं इसका करते हैं पी एक्स जिसका भी फंक्शन आपको गिवन होता है उसका हम करते हैं डिफ्रेंसिएशन, उसका करेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ये ई की पावर एल्फा पी एक्स, आपको डिफ्रेंशिएट करोगे इसको और फिर क्या करोगे एक्स और पी एक्स को ऐसे लिख दोगे, यही करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं पता ई वाला ई की फॉर्म का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, आपको करके दिखा देती हूँ। यहां पर ई की पावर सपोज करो टू एक्स है, है ना, इसको आपको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको कैसे करते हैं सोल्व, जो भी आपके पास पावर होती है उसका हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन इस तरह से, है ना, और फिर जो भी गिवन है उसको वैसे कैसे लिख देते हैं, इस तरह से हम करते हैं ए की पावर को सोल्व जब हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा टू, तो ये आ गया आपका इसका डिफरेंशिएशन इसके इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं आपको दे दूं ई की पावर साइन एक्स सपोज, अगर आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से लिख लो ताकि समझ में आए डिफरेंशिएशन कर रही हूं, तो क्या करेंगे जो भी पावर है उसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, मतलब जो साइन एक्स है उसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला लगाने का मतलब होता है इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है, और जो ये वाली टर्म है उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं साइन एक्स, है ना। तो अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, और ई की पावर वैसे का वैसे लिख दो, इस तरह से हम करते हैं सोल्व। तो अब हमारे पास क्या है ई की पावर एल्फा पी एक्स, इसको हमें करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही करना है। कैसे करेंगे, जो भी पावर है एल्फा पी एक्स उसका ले लेंगे डेरिवेटिव और इसको ले देंगे वैसे क्या वैसे एल्फा पी एक्स, यही कर रहा था दोनों एग्जाम्पल में, वही यहां पर भी करेंगे। तो इसका जब आप लोगे डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे एल्फा वैसे का वैसे रहेगा, जिससे आप यहां पर देख सकते हो मैंने आंसर यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो यहां पर क्या करोगे, हमें क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, जब हम यहां पर बात कर रहे हैं इस वाले केस में तो हम इसका डिफरेंशिएशन जो करना है वो पीएक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो जो डेरिवेटिव है किसके रिस्पेक्ट में है, पीएक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं है,
समझ गए ये वाली बात कि जो मैं बोल रही हूँ उसका हमें करना है डिफरेंशिएशन, तो उसका मतलब ये है डी बाय डी ऑफ पी एक्स, और यहां पर हम लिखेंगे जो भी हमारा ये फंक्शन है एफ ऑफ पी एक्स। बस ये वाली बात ध्यान रखना कि डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो पी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। जैसे यहां पर हम क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें क्या करना है, हमें करना है पी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, इसको हमें करना है पी एक्स के रिस्पेक्ट में। इसी वाली बात का ध्यान रखना, इसलिए हमने पहले एक्स लिख के कट करके इसको पी एक्स लिखा है। ध्यान रखना इस वाली बात का कि जब ऐसे वाला जो मैंने एफ डैश लिखा है वो एक्स के पी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो जब हम पी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं अल्फा एक्स आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो क्या करोगे, इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ अल्फा। ऐसे ही जब पी एक्स रिस्पेक्ट में करोगे आंसर क्या देगा, अल्फा, और ये वाला वैसे का वैसे रहेगा। तो जब आपका डिफरेंशिएशन, यहां पे भी इसको ठीक करो, यहां पे क्या है पी एक्स, आपको करना है पी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये क्या आएगा अल्फा e की पावर अल्फा पी एक्स, और इसका क्या होता है कॉम्बिनेशन आयोटा एच क्रोस। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, सिक्स क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ गया। सेवन क्वेश्चन देखो क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो फर्स्ट फंक्शन आपको उसको सेकंड बना दिया गया है, सेकंड को बना दिया गया है फर्स्ट, तो क्या है बिल्कुल हमारे जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे ट्रिक है वो सेम रहेगी, आप वही करोगे। इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन वही सीखो, देखो यहीं पर जो सेम ही तो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन, उसके बाद एक्स पी एक्स लिखेंगे, वो क्या होता है आयोटा एच क्रॉस, बस क्योंकि ए वाला बी बन गया है, बी ए हो गया है, दूसरे आगे लगा देंगे माइनस का साइन, बस आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा। तो सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए, आपको करना है सिर्फ थर्ड क्वेश्चन सोल्व, इस क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया आंसर, इन चारों का निकाल के देख लो ना इस वाले का सेम आएगा। ठीक है, इसी तरह से करना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।